इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा की फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशन को डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक कंसट्रेशन का मतलब है कि ये एनिमल्स अपने इंसेस्टर्स के साथ किस तरह से रिजेंबल करता है और किस तरह से इसकी डेविएशन है मोस्ट ज्यादातर एनिमल्स को जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं वी नेम द जोलॉजिस्ट तो अकॉर्डिंग व्यूज ऑफ सम जोलॉजिस्ट हैव द बिलीव बीन है फ्राम द बाइलेट्रल सट्रिकल एनिमल्स यानी इनके जो एनसेस्टर्स थे दे मस्ट बी हैविंग द बायोलेटरल सिमिट्री अब रेडियलमेट्री इनमें कब आई क्योंकि आज कल जो मौजूदा काइनोडर्म्स हैं दे आर हैविंग रेडियलिट्री तो ये हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्राम एक्टिव लाइफ स्टाइल टू मोर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ये एनिमल्स जयोलेटरल से रेडियलट्री में कन्वर्ट हो गए होंगे और इसके लिए नॉर्मली जो हमें फॉसल रिकॉर्ड मिलता है ओल्डस्ट अकाइनोडर्म्स का दैट इज़ टूचुअली अबाउट 600 हंड्रेड मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड दिस गिव्स लिटल डायरेक्ट एविडेंस के हाउ दिस ट्रांजिशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम बाइलेटरल टू रेडियल रेडियलिट्री हैज़ टेकन प्लेस फिर एंशंट फॉसल जो हैं वो हमें यह भी क्लू देते हैं कि औरजन इनके अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इसका कल्केरियस एंडोस्केल्टन जो है दीज आर आल्सो टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स आर स्ट्रक्चर दैट गिव अस एन एविडेंस ऑफ देयर एग्जिटेंस और देयर हैविंग सेपरेट नेचर फ्रॉम दी अदर एनिमल्स अब जो दूसरे फॉसिल्स रिकॉर्ड के अलावा अगर हम बाकी लिविंग एकाइनोडर्म्स को देखें तो इसके अंदर जो क्रीनॉइड्स हैं क्रीनॉइड्स जो हैं दे नॉर्मली रिजेंबल द ओल्डेस्ट फॉसल तो इसके अंदर क्लास क्रीनॉइडिया सबसे पहले क्रिएट होगी बिकॉज इट्स फॉसल रिकॉर्ड इज़ द ओल्डेस्ट अब क्रीनॉइड्स जो हैं ये अगर हम इनको देखें तो ये यूज़ करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम को फॉर सस्पेंशन फीडिंग फिल्टर फीडिंग रादर देन लोकोमोशन And that is the probably the original function of water vascular system. As to crinoids, the early kinoderms, hain, they have also assumed the mouth like uh, mouth up position and are attached aborally. So they may have used their arms and tube feet to capture the food and move this फूड पार्टिकल्स इन टू द माउथ अब कैल्शियम कार्बोनेट इसका एंडोस्केलेटन जो है एकाइनोडम्स का दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कल्केरियस भी कह देते हैं तो इसका जो एंडोस्केलेटन है दैट माइट हैिंग आर्म्स एंड टू प्रोटेक्ट दीसाइल एनिमल्स मैनी मॉडर्न एकाइनोडर्म्स जो हैं दे आर नाव एट मोर मोबाइल बट द फसल रिकॉर्ड शोज दैट मोस्ट ऑफ द एकाइनोडर्म एनिमल्स दे वर देवर सिसाइल। अब ये जो इसके अंदर फ्री लिविंग लाइफ स्टाइल का है दिस इज दी ड्राइव्ड स्ट्रक्चर ओरिजिनली देर नाट फ्री फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म या इनकी फ्री मूवमेंट जो है वो ओरिजिनल इकानोडम्स में नहीं थी एज इज द माउथ डाउन ओरिएंटेशन मोस्ट ऑफ औरडम्स अब ये जो इसकी माउथ की डाउन पोजीशन है दिस इज़ गिविंग देम एडवांटेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स एंड सिकवेंजिंग लाइफ स्टाइल और इसी वजह से इकानोडम्स जो हैं इनकी पॉपुलेशन की भी नेचर ने सेविंग कर दी ड्यू टू द दिस माउथ डाउन पोजिशन इन द मॉडर्न एकाइनोडाम्स। इसी तरह से अगर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में चेंजेस देखें तो इसमें एम्पुला जो है दिस रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन सक्शन डिस्क और फीडिंग टेंटिकल्स जो हैं दे कैन आल्सो बी Set to the adaptations for locomotion and feeding in a more mobile lifestyle as compared to that of the primitive ancestral sedative lifestyle. Now, this idea that modern echinoderms hain, they are free living is another reinforced that some echinoderms, such as irregular echinoids and holothuride, they are having bilateral symmetry imposed upon a pentaradial body form. of evolutionary relationship, echinoderm's miuthli class ke based upon different structures or characters is still not clear. and most of these zoologists, they are working on this and, you know, science is uh, the name of discovery. hopefully, after some year, we may find some more evidence about the phylogenetic relationship of echinoderms. Isitra se numerous fossils jo hain Cambrian period ke, they, uh, they give us no clue, clear clue or uh, living or extinct echinoderms. Ke so, this is the research is still going on, and hope you, hopefully zoologists they will give us some new clues after some years.